हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो अपलोड कर पा रहा हूँ। और टॉपिक है एक रियलिस्टिक आई हम ड्रॉ करेंगे बेसिक एनाटॉमी को समझते हुए। तो बेसिक एनाटॉमी को अगर हम समझ रहे हैं, देखिए जैसा स्क्रीन पे अभी मैं ऑलरेडी एक बेसिक फ्री हैंड स्केच बना चुका हूँ, तो साथ साथ में आपके लिए एग्जांपल्स भी स्क्रीन पे पॉप हो रहे हैं, देखिए आप। तो अगर आप बेसिक एनाटॉमी को समझ जाते हैं तो आपको शेडिंग में फ़र्दर फ़ायदा होने वाला है, और इसका आपको डायरेक्ट बेनिफिट ये होगा कि आपको गोइंग फॉरवर्ड कभी भी रेफरेंस पे आपकी डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी और आप लोग बेसिकली इमेजिनेशंस के थ्रू भी ड्रॉ कर पाएंगे। तो अच्छी बात है, देखते रहिए, पूरा वीडियो देखिए और एग्जांपल्स को समझिए। अगर नहीं आते समझ में तो पूछिए मुझसे, क्वेश्चन कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए पसंद आए तो, अदरवाइज़ वैसे भी आप पूछ सकते हैं। तो ध्यान स्क्रीन पर, देखते रहिए। बेसिक स्केच के बाद हमने यहाँ शेडिंग स्टार्ट करी बहुत ज़्यादा लाइट स्ट्रोक्स के साथ। ध्यान रहे कभी भी डार्क स्ट्रोक्स हमने इनिशियली नहीं लगाने हैं, बिल्कुल लाइट। जितनी ज़्यादा हम लाइट स्ट्रोक्स लगाएंगे उतनी हम लेयर्स अप्लाई कर पाएंगे और उतने अच्छे रिजल्ट्स हमें अचीव होंगे। अब देखिए इस एग्जाम्पल में आईबॉल को फोर स्किन से कवर किया है। तो देखिए आईबॉल का खुद अपना शेप एक स्फीयर शेप होता है और उसके ऊपर स्किन होती है हमारी और आईलैशेस होते हैं, तो शेडो का जो इम्पैक्ट क्रिएट होता है हमें उसे समझना है। तो उसी हिसाब से हमें शेडो इसमें क्रिएट करनी है, कंट्रास्ट देना है, तो हमारा जो इमेज है जिसको हम ड्रॉ कर रहे हैं वो बेटर निकल के आएगी। ध्यान रखना है इस एनाटॉमी को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी ड्राइंग को शेड करना है। अप्लाइंग अ वाइट जेल पेन ओवर हियर फॉर बेटर कॉन्ट्रास्ट। मैं इस ड्राइंग को इसका जो आयरिश रखना चाहता हूँ, जो सेंटर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन होता है इस किसी भी आई ड्राइंग का, तो उसमें ब्लूइश लुक रखना चाहता हूँ मैं। इसलिए ब्लू के सारे शेड ऑलमोस्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ, डार्क टू लाइट और लाइट टू डार्क सारे यूज़ हो रहे हैं, देखिए आप। और उसमें मिक्स कुछ कलर मिक्स भी होंगे, ग्रे भी होगा और ग्रीन भी होगा थोड़ा थोड़ा, बट वो कम अमाउंट में होंगे। अब हम थोड़ा सा आईबॉल के वाइट पार्ट को शेड कर रहे हैं कॉर्नर्स से, तो यहाँ थोड़ा डार्कर टोन अप्लाई होगी सो दैट कि ये एक स्पीयर शेप जो होती है और शेडो होती है, तो ये हमारी ड्राइंग पॉपअप होके आए बेसिकली, तो उस हिसाब से हम शेड कर रहे हैं। और अब देखिए डार्क कलर, उसके बाद लाइट टोन, बहुत हल्के हाथ से पेंसिल बहुत दूर से पकड़ी है देखिए मैंने, और इससे क्या होगा थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा कलर्स को पेपर पर अप्लाई कर पाने में, बट रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अगर यही मैं पेंसिल को वो क्लोज से बहुत क्लोज से ग्रिप करूँगा और उसके बाद अप्लाई करूँगा तो बेशक कलर्स जल्दी अप्लाई हो जाएंगे, बट फिर मेरी ड्राइंग जो है थोड़ा कम बेटर हो पाएगी। तो हमेशा ध्यान रखें, कोई भी ड्राइंग आप कभी भी करें, बेटर रिजल्ट्स अगर अचीव करना चाहते हैं तो आपको हमेशा बहुत लाइट हैंड से और जितनी स्लांट पकड़ेंगे शेडिंग में पेंसिल उतनी ज़्यादा रिजल्ट्स बेटर आपको अचीव होंगे।
और आपको अगर डिटेल वर्क करना है तो फिर आप उसे शार्प कीजिए अपनी पेंसिल को, और जितनी क्लोज ग्रिप होगी उतना डिटेल वर्क आप कर पाएंगे। छोटी छोटी डिटेल्स के लिए हम दूर से नहीं पकड़ सकते, बट शेडिंग के लिए बेसिकली हमें पेंसिल को बहुत दूर से पकड़ना पड़ता है, एक्सटेंडेड ग्रिप। ड्राइंग के कॉन्ट्रास्ट को मैनेज करने के लिए सभी पार्ट्स पे थोड़ा 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 कलर अप्लाई हमें करना पड़ता है, सो दैट एक ही अगर पार्ट को हम करेंगे और उसके बाद दूसरे पार्ट पे जाएंगे तो फिर कलर्स जो होते हैं ड्राइंग का जो एनवायरनमेंट है उसमें सभी जगह फुलफिल होंगे, तो हमें बेटर आइडिया हो पाएगा कि हमें अब सर्टेन पार्ट पे कितने और कलर्स अप्लाई करने हैं, कितना शेड देना है। तो थोड़ा थोड़ा हर जगह हर पार्ट पे हमें काम करना पड़ता है। यहाँ एक मोनो इरेजर का यूज़ मैं कर रहा हूँ थोड़ी सी हाइलाइट्स क्रिएट करने के लिए, और इस टाइप से देखिए यहाँ थोड़ा सा हम ग्रे कलर अप्लाई करेंगे और कलर पेंसिल की ड्राइंग्स में बेसिकली वाइट कलर की जो पेंसिल होती है उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। ये आपको वाइट कलर्स के साथ कलर होने के साथ साथ ब्लेंडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, तो आप ब्लेंडिंग वाइट कलर की पेंसिल से करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको नज़र आएंगे। इसके साथ साथ आप ब्लेंडिंग अगर बड़े पोर्शंस की करना चाहते हैं तो आप कॉटन के साथ और बेबी ऑयल या दूसरे सॉल्वेंट्स आते हैं उनका भी यूज़ आप कर सकते हैं, बट व्हाइट पेंसिल इज बेस्ट। यहाँ हम आई लैशेज ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए ग्रे कलर से। ब्लैक कलर हम डायरेक्ट अप्लाई अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी बहुत काम होना है हमारी ड्राइंग में, तो अगर डायरेक्ट अभी हम ब्लैक कलर यूज कर लेंगे यहाँ तो हम एडिट बिल्कुल नहीं कर पाएंगे बाद में, क्योंकि अभी आईलेट पे भी हमारा काम होना है। तो इस टाइप से हम बेसिक आइडिया के लिए अभी लाइट कलर्स को ही लेके चलेंगे। ब्लैक कलर बहुत कम यूज़ करना है, जहाँ आप बिल्कुल सर्टेन हो कि यहाँ करना ही करना है वहाँ एक अलग बात है, अदरवाइज कम यूज़ करिए उसे, लास्ट के लिए रखिए या ना करिए यूज़, मिक्स करिए कलर्स को। यहाँ कुछ स्ट्रोक्स ब्लैक कलर पेंसिल से अप्लाई कर रहा हूँ मैं ओवर ग्रे कलर जो हमने किया था उसके ऊपर। जो आई ड्राइंग है इसके एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए हमें आयरिश और आईलिड्स के अलावा उसके थोड़ा सा नियर बाई जो हमारा कल का सॉकेट होता है बेसिकली वो भी ड्रॉ करना चाहिए इसके साथ साथ इस टाइप से, सो दैट कि आपका जो बेस ड्राइंग है वो बेटर निकल के आएगी, बेटर दिखेगी। अर्ली मॉर्निंग इस ड्राइंग को मतलब 7 या 8 बजे मैं बालकनी में ड्रॉ कर रहा था और ऑल ऑफ अ सडन धूप पड़ी तो मैं कमरे में आया तो कौन देखिए डिफरेंस कलर्स का, डिफरेंस घर की लाइट में और
सनलाइट में आपका कैमरा कैसे रिएक्ट करता है तो बिल्कुल अलग। तो घर की लाइट में ये रिजल्ट्स हैं। धूप में बेसिकली वाइट आउट हो गया था। एक तो प्रॉब्लम ये थी, विंडो ग्लास था उसके साथ मैंने ईजल रखा हुआ था तो उसकी वजह से वाइट आउट हो रहा था। तो गोइंग फॉरवर्ड मैं भी ध्यान रखूँगा कि विंडो ग्लास के साथ अगेंस्ट द सनलाइट कभी भी काम नहीं करना चाहिए, वाइट आउट हो जाता है कैमरा। क्योंकि मैं तो बेसिकली ओवरहेड कैमरा रखता हूँ तो देख नहीं पाता हूँ कैमरे में क्या शूट हो रहा है। तो ध्यान रहे, लाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि यहाँ पहले मैंने ब्राउन कलर से ऑलरेडी स्ट्रोक्स लगाए थे आई लैशेज के, तो अभी बहुत इजी हो रहा है मेरे लिए ब्लैक पेंसिल यहाँ अप्लाई कर पाना। अगर मैं डायरेक्ट ब्लैक पेंसिल अप्लाई करता तो मुझे थोड़ी हेजिटेशन होती शायद, ड्राइंग ख़राब होने का डर रहता है। तो अभी बेस मेरा क्योंकि ऑलरेडी लगा हुआ है ब्राउन कलर से तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है मुझे, और बहुत ईजीली मैं स्ट्रोक्स फॉलो कर रहा हूँ ब्राउन कलर्स के साथ साथ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटर यही रहता है कि हम हमेशा लाइट कलर्स को पहले बेस बना लें, उसके बाद अगर ज़रूरत हो तो हम डार्क कलर्स को अप्लाई करें। यहाँ आईब्रो का हल्का सा इम्प्रेशन दे रहा हूँ मैं, पूरी आईब्रो अभी ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। सिंपल लगता है बनाने में बट इसमें गलतियाँ बहुत होती है, तो इसे एक अलग वीडियो में हम इसको कवर करेंगे पूरा का पूरा। आई बॉल सॉकेट के आसपास जो स्किन है हमारी आईलेट्स को जो कवर करती हैं आईलेट के आसपास की, तो देखिए उसको ड्रॉ किया है और ये सपोर्ट करता है बेसिकली हमारी आई ड्राइंग को यहाँ। तो यहाँ पता चल रहा है कि एक सॉकेट में एक आई बॉल है, उसमें आई है, तो थोड़ा बेटर रियलिस्टिक लुक निकल गया था हमारा। अगर हम इसको ड्रॉ नहीं करते तो उतना रिलेट नहीं कर पाता हमारा माइंड। सो एट लास्ट आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे हेल्प कीजिए। बताइए किस टाइप के वीडियोस आपको पसंद है, किस टाइप के ट्यूटोरियल हमें बनाने चाहिए आपके लिए, और अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो बताइए, शेयर कीजिए, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।